हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज 16 तारीख है और जो अपडेट लेके आया था वो बैंक निफ्टी पे लेके आया था। बैंक निफ्टी भी देखेंगे, वो 30 ओपन हुआ था 14 तारीख को 30983 पे। हाई बनाया 31032 का, लो बनाया 30508 का और लास्ट ट्रेडेड प्राइस था इसका 30614। इसमें कुछ वॉच करने जैसी चीज़ें हैं। 361 पॉइंट का टूटा है, आप देखेंगे तो पूरे आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में बोला था बेरिश व्यू है, अभी भी बेरिश व्यू है और आगे 2 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक बेरिश भी हुई है। इसमें मेरा ये कहना है कि अगर आप बेरिश पॉइंट पे अगर बनाए, मार्केट थोड़ा ऊपर भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्योंकि आपका बेरिश व्यू है। बट आप बुलिश व्यू बना लेते हैं और मार्केट आपको एक बार ऊपर जाके वापस नीचे की ओर तोड़ देता है, जैसे तोड़ा है यहाँ पे, तो आपके पुट अगर होंगे तो भी, कॉल होंगे तो भी खत्म हो जाएगा और अगर आपने लॉन्ग किया होगा तो भी आप खत्म हो जाएंगे। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड अभी बेरिश दिख रहा है मुझे। किसी भी हालत में ये 12000 क्रॉस नहीं करता है और ये 31800 क्रॉस नहीं करता है, तो दोनों केस में मेरे को ये लॉन्ग नहीं लगता है। लॉन्ग करते करते ये क्या करेगा आपको, ये पूरा मंडे से थर्सडे तक आपको एक रेंज में खिलाएगा और फ्राइडे को आपको 400 पॉइंट 500 पॉइंट करते हुए धीरे धीरे करते हुए, आप आज इसको देख रहे हैं 30600 की क्लोजिंग या आपको 29500 की क्लोजिंग पे दिखा देगा। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि मार्केट कहाँ जा रहा है। बट जो भी जिसका बेरिश पोजीशन होगा, जिसका फ्यूचर शॉर्ट होगा या पुट की आपने मंथ एंड के पुट को लिया होगा, उसको फायदा हो जाएगा। अब चूंकि 16 तारीख हो गया है इसलिए इस मंथ के कोई भी एक्सपायरी पे ना ट्रेड करके आपको जुलाई की एक्सपायरी को लेना चाहिए और जुलाई की एक्सपायरी मंथ एंड को ट्रेड करना चाहिए अगर आपको बेरिश पोजीशन पे ट्रेड करना है। वैल्यू लगे, पैसा लगे, एक ट्रेड लें ज़्यादा अच्छा है, कंपेयर टू आप बार बार ऊपर नीचे से बौखला जाएंगे और प्रॉब्लम आएगी। ये आपको ऐसे 400 400 वीकली भी अगर 400 करके तो 2 महीने में 3 महीने में ये आराम से आपको 1600 पॉइंट नीचे चला जाएगा और आप देखते रह जाएंगे। यहाँ 30600 दिख रहा है, वो फिर आपको 29500 दिखने लगेगा, फिर आपको प्रॉब्लम दिखने लगेगा। कोई बात नहीं, अभी स्टडी कर लेते हैं। अभी शॉर्ट टर्म क्या है? शॉर्ट टर्म में 30200 के आसपास सपोर्ट है, बहुत वो सपोर्ट बहुत ऐसा बड़ा सपोर्ट नहीं, लेकिन 30000 एक सपोर्ट आप मान सकते हैं। मुझे किसी हालत में वो स्टैंड करते हुए नहीं दिखता है, मुझे 29500 दिखता है तो दिखता है। तो बेरिश भी है इस वीक में है चाहे नेक्स्ट वीक में है। तो 400 पॉइंट करके गए तो 400 400 800 पॉइंट तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही चांसेस है आपको आने का। तो बैंक निफ्टी पे ये व्यू लेके आया था, 30600 पे क्लोजिंग दिया है। आप चाहें तो 30600 का पुट जुलाई 15 का भी लेके ट्रेड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू जो होगी आपको भी आगे जाके बता दी जाएगी। आपको ट्रेड करने का तरीका बताया हुआ है, आपको एक लॉट लेना है। एक लॉट लेने के बाद अगर वो लॉट वापस प्रॉफिट की ओर जाता है तो आपको बुक करना है, अगर वो लॉस में जाता है तो आपको वहाँ से 500 पॉइंट डाउन पॉइंट पे ही बाई करना है निफ्टी को, पुट के ऑप्शन को, तो वहाँ से आप बाय कर सकते हैं या फ्यूचर जिनको शॉर्ट करना है वो शॉर्ट करके तो खड़े ही रह सकते हैं मार्जिन मनी मेंटेन करके, तो कोई इशू नहीं है दोनों साइड में। लेकिन ये ऐसे ही चलेगा। अब ये पूरा वीक एक बार आपको 400 पॉइंट गिरा दिया, हो सकता है एक बार और मंडे को गिरा दे या नहीं भी गिराए और वो ये 400 पॉइंट में वीक निकाल के दूसरे फिर फ्राइडे को 400 पॉइंट गिरा दे, ऐसा भी कर सकता है। वीक में इसको 400 पॉइंट 600 पॉइंट ही डाउन जाना है, इस पॉइंट से ये स्ट्रेटजी से यहाँ से खेल सकता है और ये और ऐसे ही करते हुए आपको नीचे की ओर धीरे धीरे करके लेके जाएगा। वो 14 तारीख की जो एक्सपायरी हुई उसमें जो क्लोजिंग दिखा एडवांस एक है, डिक्लाइन 11 है। एक बार हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा जिसको देखना जरूरी है तो उसको भी देख लेते हैं, जैसे FIDI की एक्टिविटी को देख लेते हैं। FIDI ने क्या किया है, कैश में सेल किया है FI ने अब तक 79 करोड़ का और 14 जून को 238 करोड़ का। अभी तक जून का जो फिगर है 79 करोड़ का सेल है और अच्छी बात बताऊँ आपको, जो आपके बेरिश पॉइंट को सपोर्ट करता है DI ने भी सेल किया अभी तक 1000, मीन्स दोनों सेलर के रूप में खड़े हैं कैश में। जो इनको इंडेक्स में खेलना है खेलने दीजिए, आप देख लीजिए स्टॉक में दोनों सेलर के रूप में खड़े हैं। और अगर इसके प्रीवियस तक कहें, मई तक कहें, तो आप देखेंगे कि ये 2100 करोड़ का सेल था इनका और DI का 5300 करोड़ का क्यूमुलेटिव बाई था।
अब DIB अगर सेलर पे उतर गए हैं तो आपको कहाँ से कैसे पोजीशन मिलेगा, या आप अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू खुद चेंज कर लीजिए, आपको समझ में आएगा स्टॉक में बाइंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। फ्यूचर ऑप्शन की बात करें, इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने 171 करोड़ की बाई की है और इंडेक्स ऑप्शन में भी इन्होंने 13,358 करोड़ की बाई की है। जहाँ तक स्टॉक में बात करें, FI ने स्टॉक फ्यूचर में 447 करोड़ की बाई की है, जबकि FI ने इंडेक्स ऑप्शन में 136 करोड़ की सेल की है। स्टॉक में सेल पोजीशन बना रहा है इन्होंने, और FI ने यहाँ पे फ्यूचर में इसको लॉन्ग करके रखा हुआ है। और डेप्ट का वही पोजीशन है, डेप्ट में आप देखेंगे इक्विटी में 171 करोड़ की FI की म्यूचुअल फंड की परचेजिंग है, जबकि डेप्ट में 30,000 करोड़ का। पहले भी आप देखे हैं, पहले भी आपको दिखाया है कि ये क्यूमुलेटिव जो है इनका बढ़ते जा रहा है। डेप्ट की ओर देखेंगे 74 करोड़, 49 करोड़, 33 करोड़, तो ये डेप्ट की ओर पोजीशन बढ़ा रहे हैं और यहाँ से पोजीशन को कम करते हुए जा रहे हैं। तो इक्विटी से कम करके डेप्ट की ओर पोजीशन बढ़ा रहे हैं। यही एक बेस था मेरा, जहाँ पे मैंने आपको बोला था यहाँ पे दिखता है कि ये एक बेरिश पोजीशन का सिग्नल है। और अभी मंथ टिल 14 तारीख का जो स्टेटस देखेंगे तो FI का 80 करोड़ की सेल है स्टॉक कैश में, और DI की भी 1000 करोड़ की सेल है, बाय नहीं है। तो ये एक अपने आपके व्यू को सपोर्ट करता हुआ दिखता है। अगर निफ्टी इंडेक्स की बात करें, एडवांस डिक्लाइन की बात करें, तो स्टॉक में आपको दिखेगा 520 एडवांस है, जबकि 1286 डिक्लाइन है। अगर मैं इसके निफ्टी 50 की बात करूँ तो 1922 टोटल निफ्टी की बात करूँ, जो भी इंडेक्सेस वगैरह भी टोटल BSE में जो भी है, तो टोटल 1922 में आप देखेंगे 1286 BSE टोटल जो BSE में लिस्टेड है उसकी बात कर रहा हूँ। 1922 में ये 1286 आपका डिक्लाइन है, 520 आपका अप है, और 116 इसमें चेंज है। तो ओवरऑल इसमें भी क्या देखने को मिल रहा है आपको कि यहाँ पे अल्टीमेटली आपको यहाँ पे एडवांस कम है और डिक्लाइन ज़्यादा है, 520 एडवांस है और 1286 डिक्लाइन है। अब अगर इसको हम एक बार चार्ट पे देखने की कोशिश करते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको 30,360 यहाँ पे वीकली बता रहा है, 30,360 आप खुद देखेंगे तो जो इसका 30,360 है 9 डेज का डेमा है, यहाँ पे इसको एक सपोर्ट वो मिलता हुआ दिख रहा है। अगर ये टूटता है, 9 डेज का डेमा टूटता है, इसका वीकली डेमा है, तो ये फिर आपको 30,29,400 पे जाएगा। तो ये वीकली बेसिस पे है, और अगर इसको डेली बेसिस पे देखने की कोशिश करें तो एक बार इसको डेली बेसिस पे देख लेते हैं। तो डेली बेसिस में आपको देखने को मिलेगा कि ये ऑलरेडी अपने डेली बेसिस में 9 डेज का 21 डेज का तोड़ता हुआ, अब ये 30,167 पे डेली बेसिस पे इसको सपोर्ट लेना है। किसी भी तरीके से आप देख लें तो 30,000 का जो सपोर्ट है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, 30,000 का सपोर्ट नहीं तोड़ना चाहिए अगर इसको लॉन्ग में है तो। कोई भी चाहे तो 30,800, अभी नीरज जो इसका है 797, अभी जो क्लोजिंग दिया हुआ आपको 30,614 पे दिया, तो 21 दिन का जो डेमा 30,797 उसको तोड़ के नीचे गया है। अगर कोई लॉन्ग करना चाहते हैं तो 30,900 का स्टॉप लॉस लगा लें और वहाँ से शॉर्ट की पोजीशन में रह सकते हैं, क्योंकि अगर 21 दिन का डेमा तोड़ के ऊपर की ओर जाता है तो वापस वो 9 डेज और 30,900 तोड़ता है, फिर अपन लॉन्ग समझेंगे कि पोजीशन बना रहा, जो कि होना नहीं है। तो आप एक 30,800 या 30,900 का आप चाहें तो इसमें स्टॉप लॉस लगा लें और शॉर्ट की पोजीशन में इसमें चाहें तो आप पेपर ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में डायरेक्ट बाय और सेल की एडवाइस नहीं है, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट आपका फाइनेंशियल एडवाइस जानता है, तो आप कोई भी पोजीशन बनाने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें तो ही आप मार्केट में पोजीशन बनाएं, या आप स्टडी करें देखें आपको लगता है तो पोजीशन बनाएं। तो 30,900 के स्टॉप लॉस से आप चाहें जिसको 30,100 पहला टारगेट हो सकता है इसका, और 30,000 के बीच होते हुए तो आपको 29,500 का लेवल आपको दिखा देगा। इसमें कोई कहीं रुकावट नहीं आएगी, जिस स्पीड से बढ़ा था उसी स्पीड से गिर जाएगा। ये इस वीक में आए, नेक्स्ट वीक में आए, 400 पॉइंट करके तोड़ते हुए आए, लेकिन इसको 29,500 पहला टारगेट इसको लेना है, और वहाँ टूटेगा फिर हम बात कर लेंगे, फिर 28,300 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा जो कि इसको जाना है। तो हम अभी एक साथ बोलते हैं आपको 27,500 आ रहा है तो बहुत लंबा हो जाएगा,
तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेरिश पोजीशन में आप रहेंगे तो आपको फायदा होते हुए दिखिएगा। बैंक निफ्टी पे किसी भी, अगर यहाँ पे एक बार हम इसको बोलिंगर बैंड से भी देखने की कोशिश करें तो इसको अभी जो सपोर्ट है 29,30,614 का जो इसको सपोर्ट तोड़ा है, ऑलरेडी ये सपोर्ट तोड़ चुका है, तो सीधा इसको जो रुकना चाहिए 29,260 के आसपास बोलेंगे अगर इसको वीकली बेसिस पे देखें तो, और अगर इसको डेली बेसिस पे देखें तो इसके 31 जो ये सपोर्ट था, 31,000 का जो सपोर्ट था इसको तोड़ना नहीं चाहिए था, बट इसने तोड़ दिया है, तो अब कहीं ना कहीं 29,923 जो मैं आपको 30,000 बता रहा था यहाँ पे आके सपोर्ट इसको लेना चाहिए और ले लेगा। मेरे अंदाज से 30,000 से नीचे अभी ये नहीं जाएगा, 30,000 के आसपास आके सपोर्ट ले सकता है। अगर डेरिवेटिव में जाकर के इसको चेक करने की कोशिश करें तो डेरिवेटिव में भी पोजीशन आप देख सकते हैं, 30,614 की जो क्लोजिंग हुई है 14 जून का, 20 जून की एक्सपायरी की बात करें तो जो पोजीशन बन रही है एट द मनी 30,600 पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन कंटिन्यू ऊपर शॉर्ट की पोजीशन बन रही है, 5,39,000, 2,19,000, 2,46,000 से शॉर्ट की पोजीशन और प्राइस भी रिडक्शन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से इसमें शॉर्ट की पोजीशन बन रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे देखेंगे आप नीचे, तो नीचे यहाँ पे 30,200 पे 1,08,000 और 2,28,000 और उसके बाद सीधा 29,500 पे बनाया गया पोजीशन। मीन्स खुद आप देख लिए 30,200 के बाद यहाँ पे माना जा रहा है ये 29,500 की ओर जाते हुए आपको दिखेंगे। तो मेरे अंदाज से इसकी जो वैल्यू है 30,200 की, आप इसको ट्राई कर सकते हैं, जो कि इसकी वैल्यू है लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है इसकी वो है 30,200 की लास्ट ट्रेडेड प्राइस 109 रुपये के आसपास है, 20 का लॉट होता है, तो आपको यहाँ पे 2,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से काम चल सकता है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा था, चूंकि ये एक्सपायरी हो रही है तो अगर लॉन्ग किसी को करना है तो 18 जुलाई की एक्सपायरी को अभी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अभी कोई ट्रेड नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है तो आप 25 जुलाई में आपको करना पड़ेगा, उसके पहले बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो नहीं रहा है, तो 25 जुलाई के ट्रेड में आप इसको चेक कर सकते हैं, और चाहें तो आप 30,000 जो कि अभी 30,600 चल रहा है, तो 30,000 का पुट जिसकी प्राइस 385 चल रही है इस पर पोजिशन बना के आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, वॉल्यूम भी 22,000 है और अभी जो वॉल्यूम बना है वो यहाँ 6,000 से बना है, तो 29,500 पे, 9,000 से बना है आपको 29,000 पे, यहाँ दोनों पे अच्छी पोजीशन बनते हुए देखने को मिली है, तो आप इन दोनों पे पोजीशन बना करके आप चेक कर सकते हैं। फिर भी मेरी कोई भी डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक में एक वापस बेरिश भी हुआ और निफ्टी बैंक आपको 30,000 की ओर जाता हुआ दिख सकता है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।